आज मैं पोहा बनाऊंगी। पोहे में क्या क्या डालता है ये दिखा दो। टमाटर, सरसों, हरी मिर्च, प्याज और मूंगफली की गिरी और करी पत्ता। और पोहा, ये है पोहा, ये बाजार से मिल जाए। पोहा जो है बाजार से मिल जाए, ये पोहा है। ये सब है टमाटर, मूंगफली की गिरी, प्याज और हरी मिर्च। फिर आज हम पोहा बनाने जा रहे हैं। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हमने गैस पर कढ़ाई। अंदाजे से 2 या 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया। नाप के भी डाल सको, मैं अंदाजे से डाल दूँ। तब तक मैं ये प्याज काट लू जब तक तेल गर्म हो। प्याज लंबी लंबी कटेगी इसमें, पोहे में प्याज लंबी लंबी कटेगी। बहुत जल्दी बन जाए, सुबह सुबह गर्म हो ना तो फटाफट पोहा बनाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगता बनने में। टाइम नहीं लगता बाद में, पहले थोड़ी तैयारी में जितना हो उसका बस तैयारी में टाइम लगे, बनने में तो हो टाइम नहीं। ये पोहा है ना, मैंने भिगो दिया, धो लिया और भीग जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छे से भीगना चाहिए, केड़ा केड़ा नहीं रहना चाहिए, नरम हो जाना चाहिए। गरम हो गया, तेल गरम हो गया है, अब डाल देंगे मूंगफली की गिरी। गैस मंदी कर दी, इन्हें भून दो सबसे पहले। गैस मंदी कर दो क्योंकि तेल गर्म हो रहा है, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी। अच्छे से भून दो, घुमाते रहो जब तक भुने, जब ये अच्छे भून गए तब इन्हें निकाल दो। प्लेट में, थाली में कहीं भी निकाल लो। अब इसमें करी पत्ता और सरसों ये डाल दिया। अब डाल दीजिए प्याज। प्याज बड़ी बड़ी काटनी है, काट के मोटी मोटी काटनी है, बड़ी इसमें काटनी है। इसमें आलू भी डाला है पर बस मेरे पास से नहीं आ गए। आलू भी फ्राई करेगा, जैसे मूंगफली की गिरी फ्राई करते हैं ऐसे आलू भी फ्राई हो गया। ये हो गया प्याज, प्याज ज्यादा नहीं भूनना लेकिन भूनना, घना बुरा नहीं होना है। ये टमाटर डाल दिया, टमाटर
हल्दी डल दी इसमें, ये हल्दी, ये हो गया। ये देखो गरम गरम पोहा तैयार है।